बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए बड़ी खबर सबसे पहले अपनी जो हमारी जनता इस वक्त टेलीविजन देख रही है, हमारे जो व्यूअर हैं उनको हम बताना चाहेंगे। बीजेपी सांसद रवि किशन का यह बड़ा बयान है, बड़ा बयान है रवि किशन का। पायल घोष के आरोप बेहद गंभीर है, रवि किशन ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि बहुत गंभीर आरोप है, मामले की जांच होनी चाहिए, मामले की जांच की मांग कर रहे हैं रवि किशन। लेकिन आपको बता दूं कि जब हमारी बात हो रही थी पायल घोष से, जब हमने उनसे कहा कि आप लीगल एक्शन लेना चाहती हैं, आप आगे बढ़ना चाहती तो डरी हुई थी, उन्होंने कहा कि उनको डर लग रहा है, इसलिए वो पहले सोचेंगी कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, कोई उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, परिवार के लोग डरे हुए हैं, परिवार के लोग नहीं चाहते हैं कि वो इस तरीके से लीगल एक्शन लें और उनकी जान को कल खतरा हो जाए, क्योंकि परिवार को लग रहा है कि उनकी बेटी को कल कहीं ऐसा दिन ना देखना पड़े, ऐसा कोई वक्त ना आ जाए जिससे उसको नुकसान हो जाए। हम आपको सुनवाते हैं कि रवि किशन ने क्या कहा है, जरा सुनिए, जांच की मांग की गई है मामले पर। आरोप गंभीर हैं और वो खुद पायल घोष जी आई हैं और सामने उन्होंने कुछ कहा है, NCW ने भी उनसे कहा है कि अगर उसकी डिटेल फाइल की नहीं और ये तथ्य एकदम सही होते हैं तो इस पर सीरियसली एक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम लोग नारी की रक्षा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी है हमारी सरकार और इसको बढ़ावा दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके हर चीज़, तो उसमें अगर कोई बेटी, कोई भी नारी कोई भी गुहार लगाती है तो उसके लिए जांच की सारी एजेंसियाँ, सारे दरवाजे खुले रहते हैं।